जय हिंद। यह फिलिप्स का S3122 सेवर प्लस ट्रिमर, जिसका टीडन वीडियो में लेके आए हैं आज। इसको खोलने के लिए पहले ऊपर के दोनों स्क्रू को खोलें और आराम से इसके कवर को बाहर निकाल दें, सॉरी उसके हेड को। ये देखिए किस प्रकार का है। इसमें ये तीन अलग अलग व्हील दिए हुए हैं जो तीन ब्लेड्स को घुमाते हैं। ये तीन व्हील एक्चुअल में एक साथ जुड़े हुए हैं गियर्स के साथ, गियर्स के जरिए। देखिए मैं एक गियर को, एक व्हील को घुमा रहा हूँ जो दोनों व्हील एक साथ घूम रहे हैं। जिस डायरेक्शन में घुमाता हूँ उसी डायरेक्शन में तीनों व्हील घूमते हैं, यानी कि तीनों एक साथ गियर्स के साथ कनेक्ट हैं। ये देखिए साथ में जब हम इसे ओपन करते हैं तो एक लीवर एक और लगी हुई है इसी गियर्स के साथ में, जो ट्रिमर को मूव करवाती है, यानी कि ट्रिमर के ब्लेड को दाएं बाएं खिसकाती है, जो कॉर्नर में जो आप देख पा रहे हैं। ये एक्चुअल में लगता है तीन अलग अलग मोटर दिए हैं किंतु एक ही है। ये पूरा खोल के देखते हैं अंदर क्या है। ये इसको खोल दिया मैंने और कवर को आहिस्ते आहिस्ते खोलें, ज़्यादा ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं अक्सर रिपेयरेबल होते हैं, खुल जाते हैं आराम से, इतनी तकलीफ नहीं होती है। आहिस्ते से नाखून से या कोई पतले औजार से धीरे धीरे इसको खोलने की कोशिश करें, आराम से खुल जाएंगे। इसके अंदर में लॉक्स दिए रहते हैं, यदि हम ज़बरदस्ती करेंगे तो लॉक्स टूट जाएंगे, तो बाद में दोबारा इसको फिटिंग करने में प्रॉब्लम होगी। अगर कोई आपके पास रिपेयर में भी आता है तो आप ध्यान से खोलें, उसे बर्बाद ना करें, आराम से खुलता है। इस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं रिपेयरेबल होते हैं, खुल भी जाते हैं आसानी से। ये देखिए ढक मैंने खोल दिया है ढक्कन को खींचते खींचते, और अंदर में ये ऊपर का कवर खुल गया और साइड का एक और कवर उसको खोल रहा हूँ। खोलने के टाइम में ये खुद ब खुद खुल गया था, जो अलग से जो इसके ब्लेड दिए हुए हैं ट्रिमर की। आइए इसको पूरा खोल के देखते हैं क्या क्या है अंदर में और कैसे काम करते हैं। ये दूसरा कवर को मैंने खोल दिया, इसमें भी लॉक लगे हुए हैं, जो लॉक को साइड से धीरे धीरे खिसका के निकालने से पूरा इस जो मशीन है बाहर निकल जाती है। ये देखिए एक्चुअली मैंने इसे धोया था तो इसमें अभी भी पानी लगा हुआ है, यानी कि इसके सर्किट्स को मतलब वाटरप्रूफ बनाया है। अंदर बॉडी के अंदर पानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट है उसके अंदर पानी नहीं जाती है, बाहर की बॉडी में पानी जाती है। ये स्विच दिया हुआ है जिसको ऑन ऑफ करने से ये देखिए तीनों व्हील घूमते हैं एक साथ में, और ये एक ही मोटर से लगा के लगाया हुआ है। इसमें एक अंदर में मोटर है जो तीनों व्हील से कनेक्टेड है। आइए इसको पूरा खोलते हैं। साइड में देखिए प्लास्टिक के लॉक दिए हुए हैं। इन लॉक्स, ये लॉक बड़े नाजुक होते हैं, इनको आप ज़बरदस्ती ना करें, बहुत आहिस्ते आहिस्ते उठा के खोलें। इसमें खोलने का जगह भी दे रखी है, धीरे से यदि आप लॉक को उठा के खोलते हैं तो आराम से खुल जाता है, किंतु यदि आप इस लॉक को खोलने के लिए ज़बरदस्ती करेंगे तो ये लॉक टूट जाएंगे, फिर बाद में सर्किट वाटरप्रूफिंग नहीं रहेगी या हमें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको फिटिंग करने के लिए। थोड़ा ध्यान से खोलिएगा, आसानी से खुलते हैं, बेवजह मत खोलिए। यदि आपका ट्रिमर कुछ प्रॉब्लम कर रहा है और यदि आपको रिपेयरिंग की नॉलेज है तब आप इसे खोलें, अन्यथा ना खोलें। फ़िलहाल ये नया है इसलिए मैं उसे उतना ही खोल पा रहा हूँ जितना मैं ये वारंटी पीरियड में ही रहे। ये देखिए मैंने इसे ढक्कन निकाल दिया है, ये इसके सर्किट अंदर में कोई पानी नहीं गया। इस सर्किट को एक रबड़ के गैसकेट से सील करके रखा हुआ है चारों तरफ से, देखिए। और साथ में जो स्विच, ये देखिए रबड़ के सारी गैसकेट से सील किया हुआ है, और जो स्विच है वो भी रबड़ का ही दिया हुआ है जो सील करके रखा है, यानी कि पानी उसके ऊपर रहेगा, इसको पार करके अंदर नहीं आएगा, जिससे सर्किट्स के अंदर पानी नहीं जाएगा और उसे डैमेज नहीं होगा। ये इसका लाइट का सेक्शन है, इसमें एक LED दी हुई है जो सिर्फ चार्जिंग के टाइम में काम करती है या बैटरी जब लो होता है तब तो बैटरी लो के लिए इंडिकेशन करती रहती है। ये अंदर का पूरा सर्किट है, एक ही सर्किट दिया हुआ है। यस, ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है जिसको स्विच दबाने पर सेट ऑन होता है फिर ऑफ होता है। कभी ये स्विच ख़राब हो जाए तो स्विच बदली कर सकते हैं। ये दोनों मोटर कनेक्शन है M+ और M-, और साथ में ये बैटरी के प्लस और माइनस, और दोनों बगल में चार्जिंग पॉइंट दे के रखे हुए हैं जो माइनस और प्लस है, जिसमें लिखा है जो दोनों चार्जिंग पिन से जुड़े हुए हैं। ये नज़दीक से देखिए मोटर के M+ और M-, और बीच में जो प्लस है वो बैटरी की पॉजिटिव पॉइंट की है, और नीचे में माइनस प्लस चार्जिंग की, और बीच में जो है वो बैटरी की नेगेटिव पॉइंट है। और ये है लाइट का कवर जिससे लाइट पास होती है, और ये बॉडी का कवर
जो वाटर प्रूफिंग में काम आता है, जिसमें गैसकेट लगी हुई है, ये लगाने से ये पूरी तरह से सील हो जाएगा और इसमें पानी अंदर नहीं जाएगा। देखिए इसको आराम से फिटिंग कर सकते हैं। इसको लगाने के बाद में जस्ट पुश कर दें, ये लॉक हो जाएगा। ऑन ऑफ करने पर ये फिर से चलता है, यानी कि ये फिटिंग ठीक ही जगह पे बैठा है। अब इनके लॉक्स को पूरा बैठाना पड़ेगा, अभी भी लॉक ठीक से बैठे नहीं है। थोड़ा प्रेस करें, देखिए पूरा लॉक बैठ गया। यदि ये लॉक्स अच्छे से नहीं बैठेंगे तो आपका वाटर प्रूफिंग ठीक से काम नहीं करेगा, अंदर में सर्किट में पानी घुस जाएगा, जिससे मशीन ख़राब हो जाएगी। अब ये जो असेंबली है, ये असेंबली ही सिर्फ वाटर प्रूफिंग हुई है, बाकी ये वाटर प्रूफिंग भी नहीं है। बाकी बॉडी के अंदर में पानी जाता है, क्योंकि ये प्लास्टिक के सब सामान लगे हुए हैं तो ये ख़राब नहीं होते हैं। पानी में भीज के भीजते रहते हैं, कि आहिस्ते सूख भी जाते हैं। देखिए इसको मैंने असेंबली पे बैठा दिया केसिंग के ऊपर में, और आहिस्ते से पुश कर दीजिए। पुश करते ही ये लॉक हो, आराम से अपनी जगह पर बैठ जाता है। एक बार चेक कर लीजिए काम कर नहीं कर रहे। और उसके बाद ये जो बैक कवर, इसमें सबसे पहले स्टीमर को लगाते हैं। ट्रिमर को लगाने सिंपल है, ऐसे ये लॉक दिए हुए हैं, आप धीरे से उठा के इसमें डाल दीजिए। और ये देखिए स्प्रिंग साइड में दीजिए, स्प्रिंग को बाहर की तरफ रख के इसको रख के बंद कर दीजिए, आराम से फिटिंग हो जाता है। देख लीजिए, यदि मेरी वॉइस ठीक से समझ में ना आए या क्लियर ना हो, तब कृपया वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं पूरी पूरी दिखाने के लिए, मैं भी आपको समझ में आ जाए। अब ये बैक ढक्कन को ठीक से लगा के इसमें पुश कर दीजिए, ये आराम से लॉक अपनी जगह पे लॉक हो जाता है। फिटिंग करने के टाइम में ज़बरदस्ती ना करें और ना खोलने के टाइम में ज़बरदस्ती करें, आराम से इसको लगाएं, ये आराम से फिटिंग होते हैं। अब ये स्क्रू लगा के इसको नट टाइट कर दीजिए। ये आप व्हील को देखिए, व्हील एक्चुअली एडजस्टेबल है, जो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। यदि जब हम उसके हेड को बैठाते हैं तो कल के ऊपर नीचे रहता है, या जब हेड लॉक होता है तो उस टाइम ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है, जिससे वो ख़राब नहीं होता है गियर वगैरह। ये देखिए हेड को ऐसे आराम से लगाइए, लगा करके इसमें दो स्क्रू दिए हुए हैं, ये दोनों स्क्रू को अपनी जगह में लगा के टाइट कर दें। लॉक्स वगैरह जो अपनी जगह में देख के बैठा दीजिए और आराम से इसको बैठा के बस हो गया, ये दोनों स्क्रू को टाइट कर दीजिए, ये फिटिंग हो गया। अब ये इसका ढक्कन हो गया, सॉरी ट्रिमर का हेड जो फिट करती है जगह पे हो गया। किसी कारण से यदि नहीं बैठता है, सब काम कर रहा ठीक से, किसी कारण से ठीक से ना बैठे तो इसको दोबारा खोल के फिर अच्छे से लगाइए, अच्छे से फिटिंग हो जाएगा। चलिए मैंने इसे फिट कर दिया है, अब ये हेड को खोल के इसको देखते हैं। ये वॉशेबल है पूरी तरह से, कैसे वॉश करना है, किसको कल को ज़्यादा गंदा जैसे किससे करना है, मैं खोल के वो दिखाता हूँ। ये देखिए तीनों ब्लेड्स को मैंने बाहर निकाल दिया है, और ऊपर के लॉक है जो उसको दबा के रखता है तीनों ब्लेड को। इसमें ये साइड में देखिए दो स्प्रिंग जैसे दी हुई है, दो दो करके छह स्प्रिंग होगी टोटल। ये इसकी ब्लेड, ब्लेड के जो पिने हैं, इस पर आप डायरेक्ट हाथ से टच ना करें या हाथ से प्रेस ना करें, नहीं तो ये ब्लेड ख़राब हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ब्लेड किस तरीके की है, बहुत ही बारीक पिन है आप देख पा रहे हैं, और ये पूरी तरह से एडजस्ट किए हुए हैं। नहीं तो यदि हम इसे हाथ से या कोई चीज़ से दबा देंगे तो इसकी अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी, जिससे ये ठीक से काम नहीं करेगा और आपका सेविंग ठीक से नहीं कर पाएगा, तो इसका ध्यान रखें। अब जब आप इसको वॉश करें, सिर्फ पानी से वॉश करें, ब्रश या कपड़ा वगैरह यूज़ ना करें, पानी से नॉर्मली वॉश करके ठीक से इसको फिर लगा दें, और हाथ से ज़ोर से ब्लेड को ना दबाएं, तो हाथ आपका कट सकता है। किस तरीके से लगाना है देख लीजिए, आराम से इसको उठा के अपनी जगह पे बैठा दीजिए। वीडियो में आप देखिए समझ में आ जाएगा काफ़ी हद तक, मैं आप कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जो साइड की जो स्प्रिंग है, ये दोनों स्प्रिंग उस ब्लेड को दबा के रखती है, जिससे ब्लेड ऊपर ना आए, और एडजस्टमेंट का भी काम करते रहता है। टिकल को हम ज़ोर से दबाते हैं तो ये स्प्रिंग जैसे काम करती है, जो अपने आप एडजस्ट हो जाता है। इसको आराम से इसको बीच में सेंटर में मिला के जगह पर रख के, और इसके बीच में एक व्हील दी हुई है जिसको आप घुमा के लॉक कर दीजिए। ये इस तरीके से सेवर्स को काम करने के टाइम में आप, या फिर यूज़ करने के टाइम में काफ़ी ध्यान से यूज़ करें, नहीं तो इनके लॉक्स वगैरह टूटने में टाइम नहीं लगाते हैं। और इस ट्रिमर के, सॉरी सेवर के ऊपर, ब्लेड्स के ऊपर कोई चीज़ की प्रेस ना दें, नहीं तो ये ब्लेड यदि बेंड हो जाते हैं तो काम करना बंद कर देगा और आपको ब्लेड्स नहीं लगानी पड़ेंगी। धन्यवाद।